हेलो दोस्तों, देखिए आज ये थलपुस का डिज़ाइन लेके आए हैं हम। बहुत इजी डिज़ाइन है ये, और हमने ये कलर का वुलन से बनाया है, बस वाइट कलर से ही। आप लोग चाहिए तो दो कलर मिक्स करके भी बना सकते हैं आप लोग। तो डिज़ाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है, और ये 4 प्लाई का वुलन है जिससे हमने बनाया हुआ है। इसे बनाने में हमारा 75 ग्राम वुलन लगा है, यानी 75 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद से हम 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे। अब उसके बाद 1 2 3 4 4 चेन करेंगे, डबल फंदे लेंगे और त्रिबुल क्रोशिया हम बनाएंगे। 2 3 देखिए, तो एक चेन, एक ये दो हो गया, डबल फंदे, फिर से हम त्रिबुल क्रोशिया, 1 2 3 डबल फंदे, फिर से त्रिबुल क्रोशिया, त्रिबुल क्रोशिया। तो ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरा 24 इसमें बना लिए हैं, यानी 24 त्रिबुल क्रोशिया बना लिए हैं। पहले वाले में ले के हम जॉइंट करेंगे, और उसके बाद से इसके मिडिल में ऐसे आ जाएंगे हम यहाँ पर। उसके बाद 1 2 3 3 चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1 2 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे। अब यहाँ पर बनाया है ये छोड़ के, इसके बाद वाले में यहाँ पर फिर बनाएंगे, एक पास 2 डबल क्रोशिया, देखिए, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन करके, फिर ये दोनों डबल क्रोशिया के बगल में यहाँ पर बनाएंगे, देखिए 1 2, फिर 2 चेन, फिर 1 यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। यानी 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ छोड़ के हमें ऐसे बनाना है, 2 2 त्रिबुल क्रोशिया छोड़ के 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 2 2 चेन करेंगे मिडिल में। आप लोगों को कम लगे तो 3 चेन भी कर सकते हैं। कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे पूरा 12 जगह बना लिया, यानी 12 जगह 2 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 2 2 चेन किए हैं। नीचे 24 था, ऊपर 12 हुआ, यहाँ 24 था, यहाँ 12 जगह हम बनाए हैं 2 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम पहले वाले में फिर जॉइंट करेंगे, और जॉइंट करके इसके मिडिल में ही हम यहाँ पर ही ऐसे 1 2 3 3 चेन कर लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 1 2 हुआ, और एक बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। अब उसके बाद से 2 चेन करेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इसके मिडिल में हम यहाँ पर 1 2 3 देखिए, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 1 2 3, तो 3 3 बनाएंगे, 2 2 चेन करेंगे, जितना बनाए हैं सबके ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे 3 3 कंप्लीट किया, फिर 2 चेन करके फिर पहले वाले में ले के जॉइंट करेंगे, और उसके बाद से यहीं पे बगल में फिर चले जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 2 3, पहले वाले में हमें 3 चेन ही करना है जहाँ जॉइंट करेंगे पूरा कंप्लीट करके, और उसके बाद से यहाँ पर ही सेम जगह पे ही एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी 2 यहाँ पर हो गया। और उसके बाद वाला ये है, देखिए ये 3 है तो 2 जगह बनाने की जगह है 1 2, तो ये दूसरा जगह है, यहाँ पर हम 2 फिर बना लेंगे, देखिए तो 4 हो गया ऐसे, देखिए फिर 2 चेन, फिर
फिर यहाँ पहले वाले में दो और उसके बाद वाले में भी दो, ऐसे देखिए, फिर दो चेन, फिर यहाँ पे पहले वाले में दो और उसके बाद वाले में दो, दोनों जगह दो दो बनाएंगे तो चार हो जाएगा, फोर फोर हो जा रहा, और यहाँ पर टू ही चेन करेंगे सेम, तो फिर कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ऐसे फोर फोर हमने पूरा कंप्लीट किया और दो दो चेन, और उसके बाद फिर पहले वाले में लेके हम जॉइंट करेंगे, और फिर इसके बीच में ऐसे जहाँ जॉइंट किए उसके बाद से यहाँ पर हम आ जाएंगे, और यहाँ पर एक दो तीन चेन सेम जगह पे एक और बना लेंगे, यानी एक पास दो बना लेंगे यहाँ पर, और उसके नेक्स्ट में हम यहाँ पर एक बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक दो तीन जगह है, तो पहले में दो उसके बाद एक बनाएंगे, और फिर लास्ट वाले में इधर दो बनाएंगे, पहले में टू फिर वन फिर लास्ट में टू, फिर टू चेन, फिर यहाँ फर्स्ट वाले में टू बना लेंगे एक पास, और उसके नेक्स्ट में वन बनाएंगे, उसके बाद से यहाँ पर टू बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर फाइव हो गया, यहाँ पर देखिए टू थ्री फोर फाइव बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहा, यहाँ पर फाइव हुआ, टू चेन करेंगे, फिर पहले में टू फिर वन फिर टू, ऐसे बनाएंगे पूरे पे, तो ऐसे कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो देखिए हमने फाइव फाइव पूरे में कंप्लीट किया। अब यहाँ पर यहाँ हम जॉइन कर लिए हैं और मिडिल में आ गए हैं, तो अब यहाँ पर एक दो तीन चार जगह हो गया बनाने का, तो पहले वाले में हम एक पास दो बना लेंगे, और उसके बाद वाले में हम उसके नेक्स्ट में एक बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में एक बनाएंगे। देखिए पहले वाले में दो फिर एक, एक बना लेंगे, उसके बाद वाले में हम फिर दो बना लेंगे, लास्ट वाले में एक और एक बनाएंगे दो। देखिए तो पूरा यहाँ पर छः हो गया, सिक्स हो गया, फिर दो चेन करेंगे, फिर फर्स्ट वन में दो बनाएंगे, यहाँ पर टू, उसके बाद वन बनाएंगे तो थ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद वन बनाएंगे तो फोर हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिर टू बनाएंगे तो फाइव एक सिक्स हो जाएगा, छः हो जाएगा पूरा, फिर टू चेन, फिर सेम चीज़ है, पहले वाले में टू फिर वन वन टू, दो एक एक दो, ऐसे बनेगा, तो छः छः पूरे पे बनेगा, सिक्स सिक्स पूरे पे बनेगा। कंप्लीट करेंगे फिर पहले वाले में ज्वाइंट करेंगे, फिर पहले में हम टू बनाएंगे और लास्ट में टू बनाएंगे, मिडिल में एक एक बनाएंगे, तो छः के बाद सात होगा आठ होगा, तो ऐसे बढ़ते क्रम में हम और बना सकते हैं जितना बड़ा चाहें, तो हम और बना ले रहे हैं और फिर आगे दिखा रहे हैं। तो देखिए हमने ये बना कंप्लीट किया पूरा, हमने यहाँ बढ़ते क्रम में बनाया हुआ है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टेन डबल क्रोशिया तक हमने बढ़ते क्रम में ऐसे बना लिया है, और मिडिल मिडिल में टू टू चेन, यानी दो दो चेन किए हैं पूरे में, और ऐसे टेन टेन डबल क्रोशिया पूरे में लास्ट तक बनाए हैं। अब उसके बाद से हम यहाँ पर पहले वाले में लेके जॉइंट करेंगे, और उसके बाद से एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन करेंगे, फंदे लेंगे, अब यहाँ बनाएं ये दोनों छोड़ के, यहाँ पर हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर टू चेन करेंगे, इसमें टू चेन किए हैं जैसे अभी कर रहे हैं उसके लिए, और थ्री चेन किए हैं डबल क्रोशिया के लिए, फंदे लेंगे, फिर यहाँ बना लिए, यहाँ छोड़ देंगे, इसके बाद वाले में यहाँ पर हम बनाएंगे, फिर टू चेन, फिर यहाँ स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, फिर टू चेन, यहाँ पर हम दो दो डबल क्रोशिया छोड़ के बना रहे हैं, देखिए दो इधर ऐसे, फिर ये दोनों छोड़ेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, फिर टू चेन, अब ये दो चेन किए हैं इसके बीच में ऐसे ही हम ऐसे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर टू चेन, फिर इसमें ये दोनों छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर टू चेन, फिर ये दोनों छोड़ के यहाँ पर
ऐसे हमें बनाना है, एक जगह बनाना है, एक जगह स्किप करना है। आए तो दो दो डबल क्रोशे ऐसे छोड़ छोड़ के हम बनाएंगे, टू टू चेन करेंगे इसमें, दो दो चेन कर रहे हैं और एक एक डबल क्रोशे बना रहे हैं, दो दो छोड़ छोड़ के बनाएंगे डबल क्रोशिया, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने दो दो चेन और एक एक डबल क्रोशे बना के कम्प्लीट किया। अब यहाँ पर हम आ गए हैं दो चेन किए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दो इधर छूटा और ये जो पहला स्टार्ट किए हैं इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, बीच बीच में नहीं बनाएंगे वरना एक्स्ट्रा हो जाएगा। हर एक के बीच में बनाते आए हैं, यहाँ पहला स्टार्टिंग में ही बना दिए हैं इसलिए यहीं पर ले चल के ज्वाइंट कर लेंगे। दो चेन छोड़ के तीसरे वाले पे हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद इसमें बीच में हमें बनाना है ऐसे बांध के और यहाँ पर एक दो तीन थ्री चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन के ये दो हुआ, तीन चार पाँच छः, देखिए हमने सिक्स डबल क्रोशे बना लिया। फंदे लेंगे, अब ये वाला छोड़ेंगे फिर इसके बाद वाले में बनाएंगे। यहाँ पर बनाए इसमें नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाले में बनाएंगे। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स डबल क्रोशे फिर बना लेंगे। यहाँ पर फंदे लेंगे, फिर यहाँ बनाए, फिर इसके नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, फिर सिक्स बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर ये स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। एक में बनाएंगे, एक में नहीं बनाएंगे। छः छः डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं, आप लोग को कम लगे तो आठ आठ भी बना सकते हैं। हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ये सिक्स सिक्स पूरे में बना लिया, एक छोड़ के एक में बनाए हैं, पूरा पूरा छः छः पूरे में डबल क्रोशिया बना ली हूँ मैं। आप लोग को कम लगे तो बीच में एक चेन कर सकते हैं तीन तीन के बीच में, या तो आठ आठ बना सकते हैं आप लोग। तो हमारे यहाँ सिक्स पे ही सही हुआ है। और पहले वाले में लिए कि हम ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से ये फ्लैट स्टिच से हम इसके मिडिल में यहाँ पर आ जाएंगे, तीन डबल क्रोशिया के बीच में। देखिए तीन तीन दोनों साइड हो गया। अब यहाँ पर एक दो तीन चेन फंदे लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हम यहाँ पर एट डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर एक चेन कर लेंगे, हम फंदे लेंगे। अब यहाँ पर फिर एक दो तीन छोड़ के मिडिल में फिर से हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर से हम यहाँ पर एट डबल क्रोशे बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर एक दो तीन छोड़ के फिर यहाँ पर बनाएंगे सेम चीज़ें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर से हम आठ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन, फिर इसके मिडिल में तीन तीन छोड़ छोड़ के पूरे पे हमें ऐसे बना के कंप्लीट करना है। तो हमने ऐसे ये कंप्लीट किया लाइन पूरा। यहाँ पर आठ आठ बनाए हैं, एट एट बनाए हैं डबल क्रोशिया और एक एक चेन किए हैं एक से दूसरे जाने के बीच में। यहाँ पर एक चेन कर लिए हैं हम। अब यहाँ पहले वाले में लेके ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद से फिर एक दो तीन चार ऐसे चौथे के बीच में हमें ऐसे फ्लैट स्टिच से बनाते हुए हम चले जाएंगे ऐसे।
यहाँ फोर फोर के बीच में ऐसे, फिर यहाँ पर एक दो तीन फंदे लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर से हम यहाँ पर एट बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब यहाँ एक चेन करेंगे और ये जो बनाया है इसमें लेके ऐसे जॉइन करेंगे, देखिए, फिर एक चेन करेंगे और फिर इसके मिडिल में बनाएंगे, फोर फोर के मिडिल में हम यहाँ पर फिर से हम एट डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर से आठ बना लेंगे हम, एक चेन करेंगे, फिर इसमें ये एक चेन का बना है इस चेन में ऐसे ज्वाइंट करेंगे, फिर एक चेन करेंगे और फिर यहाँ बनाएंगे। तो इसके मिडिल मिडिल हमें बनाना है, ऐसे कंप्लीट करते हैं बना के। तो हमने ऐसे बना कंप्लीट किया, आठ आठ डबल क्रोशिया और एक चेन करके ज्वाइन किए हैं, एक चेन करके ऐसे बनाए हैं, पूरे में कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर एक चेन किए हैं, यहाँ पहले ये जो चेन है इसमें ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन करके और जो ये बनाए हैं इसमें ऐसे ज्वाइन करेंगे और फिर ऐसे ही फ्लैट स्टिच से हम इसके मिडिल में आ जाएंगे। यहाँ पर फोर फोर डबल क्रोशिया दोनों साइड है इसके बीच में, फिर एक दो तीन फंदे लेंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना के एक दो तीन थ्री चेन करेंगे, फंदे लेंगे सेम जगह पे ही फिर से हम बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार इधर और बीच में तीन चेन। अब यहाँ पर एक दो दो चेन करेंगे और ये ज्वाइंट किए हैं यहाँ पर ही ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे हम, फिर दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे, फिर मैं इसमें एक दो तीन चार फोर छोड़ के यहाँ पर मिडिल में हम फिर बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बना के फिर एक दो तीन थ्री चेन, फिर से चार डबल क्रोशिया यानी फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे और ये जॉइंट किए हैं इसमें लेके जॉइंट करेंगे, फिर दो चेन करेंगे, फिर इसमें एक दो तीन चार यहाँ पर मिडिल में फिर ऐसे, फिर फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थ्री चेन करेंगे और टू चेन करके ऐसे जॉइंट करेंगे और फोर फोर दोनों साइड यानी एट डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में तीन चेन कर रहे हैं, ऐसे करते हुए पूरे कंप्लीट करेंगे हम। तो देखिए हमने ये चारों तरफ से बना तैयार कर लिया। ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा, थैंक यू।